हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज 18 जून 2024 और आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बहुत ही जल्द आपको जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सटीक डेट आपको बताने वाला हूँ कि रिजल्ट आपको किस दिन देखने को मिलेगा, और फाइनली आपकी जो काउंसलिंग है वो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं काउंसलिंग में, एडमिशन में, इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2024 की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बीएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे देख सकते हैं आज की अपडेट है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 25 से पहले आ सकता है परिणाम। यहां पे देखेंगे आप लोग कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है 25 जून से पहले बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर सकता है। रिजल्ट जो है तैयार करने का काम अंतिम दौर में पहुंच चुका है। त्रिस्तरीय जांच पूरी होने के बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से 9 जून को राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का जो है आयोजन किया गया था। तो फाइनली 25 जून से पहले, तो ये आपको 23-24 को इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसी सप्ताह आपको इसका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कापियाँ बहुत तेज़ी से जो है जा रही हैं, ठीक है, चेक हो रही है। ओएमआर बेस्ड जो आपका एग्जाम हुआ है, स्कैन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि इस वर्ष संख्या कम थी छात्रों की, ठीक है, आधे से भी कम थी, तो कम समय में ही इसका जो मूल्यांकन है वो कर लिया जाएगा। तो 23-24 जून को आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, ताकि रिजल्ट जैसे ही आए तुरंत आपको अपडेट मिल सके। तो देखिए, जैसे आपका रिजल्ट आ गया 23-24 को, तो रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है, देखिए आपका रिजल्ट आएगा उसमें एक आपकी जो है रैंक दी होती है और आपका नंबर दिया होता है कि कितना नंबर आपका टोटल आया है। जो आपकी काउंसलिंग होगी वो रैंक के हिसाब से होती है, स्टेट रैंक दी रहती है उसमें रिजल्ट में आपके स्कोर कार्ड में। तो स्ट्रेंथ रैंक के हिसाब से आपकी जो है काउंसलिंग होगी। अभी रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा तो उसके बाद एक क्या होगा, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा कि इतने रैंक से इतने रैंक वालों को जो है पहले राउंड में बुलाया जाएगा, इतने रैंक से इतने रैंक वालों को जो है दूसरे राउंड में बुलाया जाएगा। 4 राउंड में टोटल इसके जो है एडमिशन होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, ठीक है। तो आपकी रैंक के हिसाब से आपको जो है कॉलेज मिलेगा। अगर आपकी स्टेट रैंक 1 से 10,000 के अंदर आ जाती है, 1 से 10,000 के बीच में आ जाती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिल जाएगा। ओके, नंबर से नहीं होता, जितना अच्छा नंबर आपका रहेगा उतना जो अच्छी रैंक है आपकी आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद यही होता है प्रोसेस, सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज आपको मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको जो है फाइनली अपना एडमिशन लेना है फिजिकली जाके। ओके, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे अगर आप लोग अपेयरिंग में फॉर्म फिल किए थे, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो इंटरनेट वाला जो आपका रिजल्ट है, ओरिजिनल मार्कशीट तो आपको नहीं मिली होगी, तो जो आपका इंटरनेट वाला मार्कशीट है, रिजल्ट आया है, उसको क्या करें, जहाँ से आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं तो उस कॉलेज से उसको अटेस्ट ज़रूर करवा लें, वहाँ पर सिग्नेचर और मोहर उसमें ज़रूर करवा लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको अपनी जो रिजल्ट है, अपनी मार्कशीट जो है उसको अपलोड करनी होगी। जिनका ऑलरेडी कंप्लीट था ग्रेजुएशन, उनको कुछ भी नहीं करना है, केवल फीस कटवानी है। ओके, चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कम पैसों में आप जो है बीएड कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जितना आप पैसा लगाओगे 2 साल में, उतने में आपका दोनों साल में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट किया करते हैं कि सर हम किस कॉलेज से बीएड करें ताकि हमारा जो बीएड है अच्छे से हो जाए, वैलिड भी रहे, ठीक है। बहुत सारे अभी आपको जो है मतलब आपके साथ फ्रॉडगिरी भी बहुत सारे लोग करेंगे, आपके पास मैसेज करेंगे कि हमारे यहाँ एडमिशन करवा लीजिए 20,000 में 30,000 में, तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये जो मैं कॉलेज आपको बता रहा हूँ ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, इसकी जो टोटल फीस है 46,750 है दोनों साल की फीस। यहाँ पर पूरी वीडियो ज़रूर देखे जाना, इसके सिवा आपको जो है कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देनी पड़ेगी इसके 46,750 के सिवा, ठीक है। अब पहली किस्त में आपको 57,50 देना होगा, ये जो कि काउंसलिंग फीस होती है, ठीक है, सीट बुकिंग के समय इसमें काउंसलिंग की फीस होती है 57,50 रुपये, तो ये पहले आपको देना होगा। देखिए, अगर आपको सीट बुक करनी है तो अभी आप सीट बुक कर सकते हो, अभी मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं कॉलेज में, अपना एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो सीट फुल होने जाने के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पहली किस्त आपको 57,50 काउंसलिंग के समय देना होगा। दूसरी किस्त आपको जो है 10,000 काउंसलिंग के समय, यानी कि जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उसके बाद आपको 10,000 देना पड़ेगा। तीसरी किस्त कब देनी होगी, तीसरी किस्त आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के समय आपको देना होगा 13,000 रुपये, ठीक है। चौथी किस्त आपको 18,000 रुपये देना है, कब देना है, ये सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के समय आपको देना है। 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे, ईयरली बेस आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सिर्फ आपको मैनपुरी जो है एग्ज़ाम देने जाना है, बाकी सारा काम आपका घर बैठे होगा, या तो आप प्रयागराज
में ऑफिस है इनका, आप विजिट कर सकते हो, आप फिजिकली जाके बातचीत कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका जैसे लोकेशन दूर है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको जैसे वहाँ पे जाने में परेशानी हो रही, तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था जो है आपको फ्री दी जाएगी बिल्कुल। आपके साथ जो भी गार्जियन जा रहे हैं तो उनको बिल्कुल फ्री में सुविधाएँ दी जाएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर एग्रीमेंट सर्टिफिकेट आपको जो है दी जाएगी, जो मतलब 46,750 आपका फीस लिया जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा, एग्रीमेंट आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। कोई भी फीस कैश नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फीस जमा करने के बाद ऑफिस से आप जरूर जो है रसीद प्राप्त करना, और सारे जो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ एनसीटी से जो है प्रमाणित हैं, यानी कि लिस्ट में आप लोग जाके देख भी सकते हो, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से ये जो है संबंधित है, ये कॉलेज जो आपको बता रहा हूँ। और यूपी के छात्रों के लिए यहाँ पे छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, जो जैसे एससी एसटी में आते हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप तो जरूर जरूर मिलेगी, और इनका जो एडमिशन है स्कॉलरशिप बेस पे भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम वार्षिक में यानी कि ईयरली बेस आपका होगा, और जैसे जो बच्चे जैसे बीएड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे थे, तो उनका जो है बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ऑफिस का एड्रेस का है एक्सेल एजुकेयर कैंपस अलोपी बागचुंगी प्रयागराज, यहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिजिकली आप मिल सकते हो, ठीक है, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ऑफिस का जो ओपनिंग का समय है मॉर्निंग 9 AM से 8 PM तक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये कांटेक्ट नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो आप परेशान हो जाओगे, नंबर भी भूल जाओगे, तो ये कांटेक्ट नंबर आप ज़रूर से ज़रूर सेव कर लीजिए, अपना जो है डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, तो अभी कभी कॉल करिए, अपनी जानकारी ले सकते हो जो भी आपके मन में डाउट्स हैं तो, ओके। बाकी बहुत ही बेस्ट कॉलेज, अपना एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि स्कॉलरशिप आ जाएगी तो फ्री में आपका बिल्कुल बीएड हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी जानकारी ले सकते हो, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि जैसे ही यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट है तुरंत आपको अपडेट मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।